हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ हिंदी मीडियम साइंस फैकल्टी में आज आप लोगों के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में जो आपको पहले बताया गया है कि बीमी समीकरणों के चार उपयोग आपको बताए गए हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर रहे हैं। बीमी समीकरणों के उपयोग में हम किसी बीमी समीकरण की सहायता से हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, जो कि जिसका डिटेल और उदाहरण लेके आपको बताया गया है। दूसरा उपयोग बताया गया था कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, और उदाहरण इसमें लिया गया था एक न्यूटन बल को डायन में कन्वर्ट करना। ये आप लास्ट वीडियो में देखे हैं और समझे भी हैं। ठीक, इसके बाद आज जो आपके लिए तीसरा उपयोग आ रहा है, बीमी समीकरण के उपयोग में ही तीसरा उपयोग होता है सत्यता की जांच करना। मतलब कोई भी जो भौतिक समीकरण है, कोई सूत्र है, कोई संबंध है, तो हम उसके सत्यता की जांच बीमी समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। तो बीमी समीकरण की सहायता से आप जो है किसी समीकरण, कोई सूत्र, कोई फार्मूला, उसकी शुद्धता की जांच या सत्यता की जांच या वैधता की जांच कर सकते हैं। वैध है मतलब वैलिड है, मतलब सही है। शुद्धता का मतलब है कि उसके बाएं पक्ष जो कोई भी समीकरण या सूत्र है उसके बाएं ओर की राशि और बराबर के दाहिनी ओर की राशि का दोनों का बीमी सूत्र एक ही है, समान है, तो वो शुद्ध है। वैध है मतलब सत्य है, और सत्यता की जांच भी वही चीज है कि वह संबंध सही है। यदि सही ना होता, वैध ना होता, शुद्ध ना होता, तो कुछ किसी भी सूत्र समीकरण में बराबर के बाएं पक्ष की राशि और बराबर के दाहिने पक्ष की राशि का बीमी सूत्र एक समान नहीं होता। यदि हम दिए गए समीकरण सूत्र में बाईं ओर की राशि का बीमी सूत्र ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, और बराबर के दाहिनी ओर की राशि का बीमी सूत्र ज्ञात कर रहे हैं, यदि दोनों बीमी सूत्र एक समान हैं, तो वह बीमी समीकरण सही है। तो करना क्या है आपको, ये मालूम है कि हमें किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए दिए गए समीकरण में बराबर के बाईं ओर की राशि, लेफ्ट हैंड साइड तरफ की राशि, और बराबर के दाईं तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, दोनों तरफ की राशियों का बीमी सूत्र ज्ञात करते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या दोनों सूत्र समान है। यदि ये समान है, एक ही सूत्र मिल रहा है बराबर की दोनों तरफ की राशियों का, तो यह बीमी दृष्टि से सही है। बीमी दृष्टि से जो ये संबंध है, जो ये सूत्र है, जो ये समीकरण है, वो सही है। तो इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हम सबसे सरल उदाहरण लेंगे। उदाहरण में जैसे मान लीजिए, हम पहला उदाहरण बहुत सरल लेते हैं, गति के प्रथम समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए, या गति के प्रथम समीकरण भी इक्वल टू यू प्लस ए टी की शुद्धता की जांच कीजिए, या सत्यता की जांच कीजिए, या वैधता की जांच कीजिए। ये प्रश्न की अलग अलग भाषाएं हैं, ये सभी का अर्थ एक है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यदि तीन प्रकार से जो पूछे जाएंगे उनमें जो आंसर लिखना है वो एक ही प्रकार का आंसर है, ठीक है। ये सभी प्रश्न की भाषाएं अलग है, मीनिंग सबका एक है। तो हम जो है सबसे पहले ले रहे हैं कि बीमी विधि से प्रश्न पहला ले रहे हैं, बीमीय विधि से गति
बीमी विधि से गति के प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न है, सत्यता की जांच कीजिए, वैधता की जांच कीजिए, शुद्धता की जांच कीजिए, ये सब एक ही अर्थ है। तो अब हम गति का प्रथम समीकरण क्या है, गति का इसका उत्तर लिखना हम चाहेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण आप पढ़े होंगे, नाइन्थ क्लास में भी इसका रिफरेंस है। तो गति का प्रथम समीकरण वी इक्वल टू यू प्लस एटी, गति का प्रथम समीकरण वी इक्वल टू यू प्लस एटी। अब इसमें जो संकेत आ रहे हैं वी यू ए टी, तो इनके अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं गति का प्रथम समीकरण वी इक्वल टू यू प्लस एटी, जहां बताना पड़ेगा आपको, जहां u बराबर प्रारंभिक वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग है, ध्यान देना है। v क्या है अंतिम वेग, v क्या है अंतिम वेग, और a क्या है त्वरण, a त्वरण है, और t जो संकेत है वो समय। तो जो समीकरण में प्रयुक्त अक्षर है, जो संकेत है वो क्या है कि इसका संकेत क्या है कि u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, और t समय है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बायां पक्ष ले रहे हैं, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है भी है, भी क्या है आपको अंतिम वेग, तो है तो वेग ना, चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। मात्रक भी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग का मात्रक भी वही होगा, बीमी सूत्र भी वही होगा, आखिर है वेग, राशि जो है वो वेग है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेग, ठीक है। और वेग को, वेग के लिए हम बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे बीमी सूत्र, कि हम इसको वेग जो है एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। आपको जो सात प्रकार के मूल राशियां बताई गई हैं, ठीक है, शुरू में ही बताया गया है, ये सातों प्रकार की राशियां आप याद करिए, पढ़िए, आपको वीडियो में बताया गया था और लिखाया भी गया, नोट्स भी भेजा गया है, ठीक है। तो ये सात प्रकार की राशियां जो आपको मूल राशियां लिखाई गई हैं, उनमें आप देखेंगे कि वेग नहीं लिखा है, इसका मतलब कि जो वेग है वो मूल राशि नहीं है। वो कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। हम अब व्युत्पन्न राशि वेग को मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करेंगे, और मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों पर उचित घात लगाएंगे, ठीक है। तो जब घात लगाएंगे तो ये घात आपको बताया जा चुका है कि विमा कहलाती है, और घात लगाने के बाद जो सूत्र मिलता है उसको कहते हैं बीमी सूत्र। मतलब बीमी सूत्र में मूल मात्रक, मूल राशि और घात होते हैं। तो यहां पर हम वेग को कन्वर्ट करेंगे, और जो सात मूल राशियां हैं उनमें हमको बदलते जाना है जब तक कि वो न मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सात मूल राशियां, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ठीक है, ताप, विद्युत धारा, ज्योत, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ताप, तो ये सात जो ये राशियों में कन्वर्ट करना है। पर कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी व्युत्पन्न राशि
वो जब हम मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं तो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो सात जो मूल मात्रक है वो पूरे आ जाए। मान लीजिए कि वेग जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो द्रव्यमान उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो लेकिन जो भी आएगा जिस पर भी डिपेंड करेगा वो उस राशि में समाहित होगा, समावेश होगा। तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय। अब आपको ध्यान देना है कि जो मूल मात्रक मूल राशियां जो हैं वो द्रव्यमान लंबाई समय, तो लंबाई जो उसमें लंबाई आया है, दूरी तो नहीं आया है। लेकिन याद रखना कि जो लंबाई के लिए आया है वो लंबाई का मतलब है दूरी से संबंधित, चाहे दूरी विस्थापन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई त्रिज्या, ये सब के लिए लंबाई जो है वो मूल राशि की ही तरह व्यवहार करेगा। और हम लंबाई को लेंथ कहते हैं, जिसका हम यहां जो बीमी सूत्र लिखने में कैपिटल एल यूज करेंगे, लेंथ एल ई एन जी टी एच लेंथ। तो उसके लिए चाहे वो किसी भी प्रकार की दूरी से संबंधित माप है, वो जितने का मैं नाम लिया वो सब दूरी के अंतर्गत, वो सब लंबाई के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम दूरी बटे समय, और दूरी को हम कैपिटल एल से लिखेंगे, समय को टी से लिखेंगे, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी, और टी में प्लस पावर है वन, नीचे धन एक है, धन एक नहीं लिखा जाता है, यहां भी धन एक है लेकिन नहीं लिखा गया। लेकिन ये जब टी ऊपर आएगा तो धन एक जो घात है वो हर से जब अंश में आएगा ये, तो टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, आपको मालूम है। और यहां पर एल और टी मतलब जो वेग है वो दूरी और समय पर निर्भर करती है। जो सात मूल राशि बताया गया है वो सारे इसमें नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए कि वेग जो है उन पांच जो अन्य मूल राशि है उन पर निर्भर ही नहीं करती है। तो जब निर्भर नहीं करती है तो उनके बीमी सूत्र में उसका समावेश नहीं होगा। तो इस तरह से द्रव्यमान भी नहीं है, तो कम से कम आपको द्रव्यमान लंबाई समय यहां बीमी सूत्र में दिखाना पड़ेगा। तो हम यहां एम नहीं है ना, तो जब एम नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं एम की पावर जीरो एल टी की पावर माइनस वन, एम पावर जीरो एल टी की पावर माइनस वन। और एम की पावर जीरो जो है आप जानते हैं, टेंथ में पढ़े हैं घातांक के नियम में, पहले भी मैं इसका रेफरेंस आपको दिया हूं कि यदि किसी भी संख्या में जीरो घात है तो उसका मान एक होता है। तो यदि यहां एम की पावर जीरो की वैल्यू एक है तो एक वन का गुणा यदि किया जाएगा एल टी की पावर माइनस वन में, तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कंप्लीट बीमी सूत्र में आपको यहां लिखना आवश्यक है एम की पावर जीरो एल टी माइनस वन। ये जो दिया गया समीकरण पहला है बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें बाया पक्ष भी है, इस भी वेग का बीमी सूत्र हम ज्ञात किए, हमको मिला एम की पावर जीरो एल टी की पावर माइनस वन। ध्यान दें, हम चाहें तो इसको समीकरण नंबर एक दे सकते हैं। फिर अब हम दाया पक्ष लेंगे, दाया पक्ष, तो दाया पक्ष क्या है आप देखें यू प्लस ए टी, ध्यान दें यू प्लस ए टी। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि U क्या है, A क्या है, T क्या है। तो पहले लिख लें हम इसको वेग प्लस A त्वरण गुणे T क्या है समय। अब आप बदलेंगे सब, देखिए स्टेप बाय स्टेप बदलेंगे। हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन हम आपको डायरेक्ट यहां नहीं बताएंगे कैसे आएगा। आप जब ये सीख जाएंगे कि किस तरह से चेंज करना है तो फिर आप भी डायरेक्ट लिखने लग जाओगे जब बनने लग जाएगा, लेकिन शुरू में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे।
तो वेग को हम चाहे तो यहां दूरी बटे समय एलटी माइनस वन मिल गया है हमको, तो हम यहां वेग के लिए और बता चुके हैं कि चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे किसी प्रकार का वेग है, यदि वो वेग है तो वेग की राशि, वेग राशि है एक और उसका बीमी सूत्र एक समान होगा। कुछ बीमी समीकरण की सीमाएं भी है, कुछ दोष भी, यही एक दोष दे सकते हैं कि बीमी सूत्र से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि अमुक राशि किस तरह का है, क्या है, लंबाई है कि चौड़ाई है कि ऊंचाई है कि मोटाई है कि गहराई है कि दूरी है कि विस्थापन है, हम सबके लिए कैपिटल एल लिखते हैं, तो ये एक उसकी लिमिटेशन है कि हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में अमुक लंबाई किस प्रकार की, ठीक है। जैसे वेग, वेग अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग का भी बीमी सूत्र एल टी माइनस वन है, प्रारंभिक वेग का भी बीमी सूत्र एल टी माइनस वन है, तो बीमी सूत्र से हम ये नहीं कर पा रहे हैं निर्णय कि वास्तव में ये जो वेग है वो प्रारंभिक है कि अंतिम है, ये एक लिमिटेशन है बीमी सूत्र का, चाहे दोष मान लीजिए। तो वेग का बीमी सूत्र यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, ठीक है, वेग प्लस त्वरण का बीमी सूत्र आपको हम पहले बताए हैं, त्वरण का बीमी सूत्र हम आपको बताए हैं, आज हम फिर से आपको थोड़ा सा साइड में बता रहे हैं, ध्यान दें, त्वरण जैसे मान लीजिए आपको याद किए हो भूल गए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो त्वरण बराबर वेग बटे समय, वेग को बदलेंगे दूरी बटे समय, और ये समय पहले से है, ये हुआ। अब आप देखेंगे कि पूरा बदल गया मूल मात्रक में ना, तो एल अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी एल अपॉन टी स्क्वायर दैट इज एल टी की पावर माइनस। अब आप त्वरण का बीमी सूत्र निकाल लिए किनारे में, आपको कहीं भूल रहा है तो क्यों, क्योंकि आपको ट्रिक मालूम है, यदि याद करेंगे तो भूल जाएगा तो फिर भूल गए आप नहीं लिख पाओगे, तो याद भी हो अलग चीज है लेकिन ट्रिक भी मालूम है कि आप यदि भूल रहा है कंफ्यूजन है तो आप तुरंत निकाल लीजिए, आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो आप देखेंगे कि त्वरण का बीमी सूत्र हम जो यहाँ पर ज्ञात किए वो एल टी की पावर माइनस टू है और समय का कैपिटल टी होता है, ये तो मूल राशि में। अब आप इसको हल करेंगे तो एल टी की पावर माइनस वन प्लस एल टी और माइनस टू यहां है और प्लस वन यहां, प्लस वन नहीं लिखा जाता है आपको मालूम, तो आएगा एल टी की पावर माइनस टू, चाहे तो एक बार हम दिखा सकते हैं माइनस टू प्लस वन, तो दिस इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी की पावर माइनस वन, एल टी माइनस वन प्लस एल टी की पावर माइनस वन, तो ये दो बार आ गए, तो हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एल टी की पावर माइनस वन। अब टू थ्री फोर कोई भी नियतांक है तो आपको हम पहले बताए हैं कि ये बीमी समीकरण की सीमाओं में हम उस नियतांक का बीमी सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उस टू का कोई प्रभाव न पड़ेगा बीमी सूत्र में, ठीक, तो ये आएगा कंप्लीट बीमी सूत्र एल टी माइनस वन और एम है नहीं यहां तो लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस वन, इसको हम समीकरण नंबर दो दे सकते हैं। समीकरण दो जब हम दे देंगे तो निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि समीकरण एक एवं दो से स्पष्ट है, ये आपको ध्यान देंगे, हम देख रहे हैं समीकरण एक व समीकरण दो से स्पष्ट है कि दिए गए समीकरण के दोनों तरफ की राशियों का बीमीय सूत्र एक समान है, एम जीरो एल टी माइनस वन है, यहां भी एम जीरो एल टी माइनस वन है,
बायां पक्ष की राशि और दाहिने पक्ष की राशि दोनों का बीमी सूत्र एक समान है, ठीक है, एक समान है। अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण सत्य या शुद्ध है। तो इस तरह से हम बीमी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। और आपको और भी उदाहरण हम बताएंगे आगे, लेकिन आप घर में प्रयास करेंगे, ठीक है, आप घर में प्रयास करेंगे कि गति के मैं प्रथम समीकरण बता दिया, आप दूसरा समीकरण की सत्यता की जांच घर पर करेंगे, मैं यहां बोर्ड में बताई दे रहा हूं। दूसरा गति का समीकरण है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप घर पर करेंगे, एक तरह का ये ग्रह कार्य मैं लिख दे रहा हूं, ग्रह कार्य। तो यस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जहां एस दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, टी समय है, ए त्वरण है, भी अंत और ये सब आपको, और एस चली गई दूरी है, ये जो पहले बताया गया है संकेत उसी में सब आ रहा है। आप इन दूसरे और तीसरे जो गति के समीकरण है इनकी सत्यता की जांच आप घर पर करने का प्रयास कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे, हम उसको फिर से आपको बताएंगे, और कॉपी में नोट करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए, ठीक, थैंक्स।